और यहाँ पे जीत गए अपने इंडिया भाई साहब, एशिया कप मजा आ गया। ये है भाई साहब बरेली का झुमका, देखो सब लोग इसके आसपास फोटो खिंचवा रहे हैं। तो वो देखो सामने जाओ मस्जिद का पुल दिख रहा होगा तुम्हें। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा सुबह 8 बजे का व्यू देखो आसमान में यार, इतनी पतंगबाजी हो रही ना सुबह ही सुबह। ये तो रॉकेट जा रहा है खैर, और ये देखो पतंगबाजी चल रही है भाई सुबह ही सुबह पतंगबाजी। आज बरेली जाना है, संडे है तो उन लोगों की कॉल आ गई थी कि आज भी आप आ जाओ, तो आज रेडिएशन करा के बहुत जल्दी घर आना है भाई। 9:30 बजे की ट्रेन है, वही अपनी ट्रेन से निकल के 11:15 तक पहुंच जाएंगे और देखते हैं कब तक नंबर आता है, क्योंकि आज बहुत स्पेशल दिन है भाई। आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल है एशिया कप का, और इंशाल्लाह अपने इंडिया जीत जाएगी आज एशिया कप। 3:30 बजे तक घर आना है, क्योंकि 3 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। बाइक से चलेंगे स्टेशन तक, बाइक स्टेशन पे खड़ी कर देंगे, फिर वहां से टिकट वगैरह लेके ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो फिर चलो फिर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बारिश तो रात भर हो रही है, सब बेहतरीन मौसम हो रहा है आज तो, धूप है जगह जगह जगह, हल्का हल्का पानी भरा हुआ गड्ढों में। यहाँ पे पापा कर देंगे बाइक पार्क, उसका मैं टिकट लेता हूँ। चल अंदर तो लाइन लग रही होगी, तो हम यहाँ से लेंगे टिकट भाई। तो टिकट दियो राज्य लाइन की है, और भाई टिकट ले लिया, अब जल्दी से चलते हैं अंदर। 5 मिनट बाद निकल जाती ट्रेन, बिल्कुल सही टाइम पे आ गए, लेकिन बारिश भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे, बहुत बढ़िया मौसम हो गया आज तो। ट्रेन जो है ना आज इतनी फुल है, मैं क्या बताऊँ, बैठने तक की जगह नहीं है आज, इसलिए मैं खड़ा हो जाऊँगा शायद आज। देखो पूरा जो मामला है ना भाई, यहाँ पे फुल पड़ा है, बैठने तक की जगह नहीं है, तो आज खड़े होकर इंजॉय करते हुए जाएंगे और इस मौसम का पूरा मज़ा लेंगे आज। देख रहे हो कितनी बढ़िया बारिश हो रही है मुरादाबाद में आज। और 9:33 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है भाई, 11:30 तक पहुंच जाएगी आराम से बरेली। वो तो बाइक से हम जल्दी आ गए, वरना तो ट्रेन मिलती कब हमें, सही टाइम पे आ गए अल्लाह के शुक्र से। तो वो देखो सामने जामा मस्जिद का पुल दिख रहा होगा तुम्हें। इस मौसम का मजा ऐसे बैठ के लेते हुए जा रहे हैं हम लोग। पापा को मैंने बारिश की वजह से ट्रेन लेट हो गई, तो 30 मिनट लेट हो गए बरेली पहुंचने में। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी मंजिल, 30 मिनट लेट पहुंचे लेकिन पहुंच गए। संडे में आए हैं आज, संडे में क्योंकि 2-3 दिन थोड़ा गैप रहा था, उनकी कॉल भी आई थी ना, तो आज संडे है और संडे में भाई सब खाली पड़ा है, कोई है नहीं, बस अपना काम जल्दी हो जाएगा फिर चलेंगे घर। क्योंकि आज भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल है एशिया कप का, और इंशाल्लाह अपनी इंडिया तो जीत जाएगी एशिया कप। लेकिन भाई मुझे क्यूरियोसिटी होती है ना मैच से पहले देखने की, वो चीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल होती है, क्योंकि यार जाके बस 3 बजे तक मैच स्टार्ट हो जाएगा, जाके बस मैच देखना है और अपनी इंडिया तो जीत ही जाएगी। 30 मिनट में यहाँ से हम फ्री हो जाएंगे, फिर घर के लिए निकल जाएंगे। और आज का मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है यार, मज़ा आ गया, मौसम बड़ा बेहतरीन। क्या SRMS में 3-4 कैंटीन है, जिनमें से एक वो देखो मेन गेट जो है ना उधर, उससे एंटर होने के बाद बस ये पंजाब नेशनल बैंक है ना, इसकी जस्ट लेफ्ट साइड में कैंटीन है। यहाँ पे बाहर के मुकाबले थोड़ा अच्छा खाना मिल जाता है, बहुत चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, फास्ट फूड भी है और खाने वाने की चीज़ें हैं, तो थोड़ा अच्छा मिल जाता है बाहर से खाना, क्योंकि मैंने यहाँ खाया था ना उस दिन, थोड़ा बाहर के मुकाबले थोड़ा ठीक लगा था मुझे खाना। एक कैंटीन इधर है,
और एक कैंटीन मेरे पीछे अंदर हॉस्पिटल में है और दो तीन पीछे हैं। अपना काम तो हो गया भाई साहब, अभी हम लोग जा रहे हैं घर, बस ढूंढ रहे हैं, बस से जाएंगे क्योंकि ट्रेन भी तो रात को मिलेगी। और देखो एक चीज़ दिखाते हैं, यह है भाई साहब बरेली का झुमका, देखो सब लोग इसके आसपास फोटो खिंचवा रहे हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं रामपुर वाली बस, रामपुर तक छोड़ के चले गए, अब हम यहाँ से बस पकड़ेंगे मुरादाबाद के लिए। ये देखे भाई यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इलाहाबाद रामपुर, देखो भाई साहब स्टेशन की दीवारों पे कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक स्टेशन की जितने भी दीवार है ना भाई, इतनी शानदार शानदार पेंटिंग बना रखी है। शाम के 4:30 हो रहे हैं भाई साहब और हम पहुंच चुके हैं घर पे, और अभी यहाँ से बाइक निकालनी है, फिर बाइक लेने के बाद चलेंगे घर। अभी जो घर आया और घर आके जो मैंने पहला काम किया वो खोला टीवी, क्योंकि आज फाइनल आ रहा है एशिया कप का इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और टीवी ओपन करते ही भाई साहब मैंने भाई में शॉक हो गया, इतना ज़बरदस्त बॉलिंग हुई ना अपनी इंडिया की तरफ से, 50 रन का ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को। और मैंने सोचा था कि अब बैटिंग चल रही होगी श्रीलंका के, एक दो विकेट होंगे, लेकिन आके देखा तो पूरी श्रीलंका ऑल आउट हो गई 50 रन पे। भाई दिल खुश हो गया, क्या बॉलिंग हुई अपनी इंडिया की तरफ से। मैंने तुमसे कहा था भाई एशिया कप तो इंशाल्लाह इंडिया ही जीतेगी, बस जीतने वाली 51 रन चाहिए, बहुत जल्दी मार देगी जहाँ तक मुझे लगता है। और नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड कप है, वो भी इंशाल्लाह अपनी इंडिया लेके आएगी। तो बैटिंग करने आ चुकी है अपनी इंडिया की टीम, ये देखो एक ओवर में 9 रन है अभी, जहाँ तक मुझे लगता है 10 ओवर के अंदर अंदर बहुत आराम से 51 रन चेस कर देंगे और फिर हम लोग जीत जाएंगे एशिया कप। ये लो भाई चौका। और दोपहर मैंने ना कैंटीन में बस थोड़े से दाल चावल खाए थे, उसके बाद भूख लग रही थी तो मैं रास्ते में से दक्ष फास्ट फूड से मैं बर्गर लेता हुआ आ गया, अभी बर्गर खाते हैं उनका। ये आ गया भाई अपना बर्गर, लगाया सॉस में, बहुत अच्छा बर्गर बनाते यार, मजा आ गया। और साथ साथ अपना इंडिया का मैच चल रहा है भाई, एशिया कप जीतने वाले हैं हम लोग भाई, एशिया कप उठाते ही मुंह मीठा करेंगे हम लोग। और सिराज भाई ने क्या जबरदस्त बॉलिंग करी भाई, 6 विकेट लेगा 6, देखिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं लाइन कंट्रोल करने के लिए। 7 ओवरों में 21 रन देके 6 विकेट लेगा सिराज भाई, मजा आ गया भाई। बात तो सही है, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, जबरदस्त। रोनाल्डो फेवरेट विकेट, दुनिया जीतने का है सपना, लेकिन उसके और यहाँ पे जीत गए अपनी इंडिया भाई साहब एशिया कप, मजा आ गया। मैंने इनसे पहले ही कह दिया था कि जीतने वाली है, मैं तो कह रहा था कि 10 ओवर में बना देंगे 51, लेकिन भाई साहब 7 ओवर भी नहीं हुए पूरे, 7वें ओवर की पहली बॉल चुकी थी, 51 रन बन गए। खजूर से मुंह मीठा करेंगे आज हम, फाइनल तो बहुत देखे लेकिन ऐसा फाइनल नहीं देखा जो मतलब 3:30-4 बजे स्टार्ट हुआ और देखो 6:15 बजे खत्म हो गया। मतलब मोस्टली जितने भी 50 ओवर के मैच चलते हैं ना वो 3 बजे शुरू होते हैं और 9:30-10 बजे तक चलते ही चलते हैं, लेकिन ऐसा फाइनल कभी नहीं देखा भाई, मजा आ गया तो दिल खुश हो गया था। ये वाला जो मोमेंट है ना भाई, नेक्स्ट लेवल मोमेंट है, और 8वीं बार एशियन चैंपियन बन गए हम लोग। चलो भाई इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं खत्म, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ इंस्टा पर अगर फॉलो नहीं किया तो इन सभी भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।